कोलकाता स्टेशन से जाना है बारासात। तो चलो, आज शिवरात्रि की वजह से रास्ता भी थोड़ा क्लियर लगा। किराए सर दिखाएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस गाड़ी में आ चुके हैं और गाड़ी में आज तेल कम है तो तेल अपने को लेना होगा। गाड़ियों से रेडी कर दी है, गाड़ी को साफ सफाई कर दी अच्छे से। ये देख सकते हो क्या चमक रही है गाड़ी। चलो तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं पेट्रोल पंप। तो गाइस आ गए पेट्रोल पंप में और चल तेल भराते हैं। तो 750 रुपये का तेल लेगा। कहाँ देख रहा है सर? देख रहा है कि अपना भाई को दिखाएगा। हाँ आएगा, टी भी आएगा, टेंशन मत ले। तो गाइस तेल लेना हो गया, ट्रिप को करते हैं यहाँ पर जीरो। ट्रिप हो गया जीरो, तीन काटा उठा है तेल में और गाड़ी को करते हैं एक साइड में, फिर उसके बाद आईडी ऑन करते हैं। तो गाइस कर दिया गाड़ी को पार्क और अब करते हैं आईडी को ऑन, देखते हैं पहले ट्रिप कहाँ की आती है। तो गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी तक कोई बुकिंग नहीं रुकी है। आईडी चारों ऑन हो चुकी है और अभी 4:30 बज चुके हैं। टाइम देखो 4:30 बज चुके हैं। अभी क्या करना है नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा और वेट करते हैं फिर अर्जी कल की तरफ बढ़ा जाएगा। तो गाइस काफ़ी टाइम वेट करने के बाद अर्जी कल से बुकिंग मिल चुकी है, तो जाते हैं कस्टमर को पिकअप करते हैं अर्जी कल से। आज शिवरात्रि की वजह से रास्ता भी थोड़ा क्लियर लग रहा है। देखो चलो, तो गाइस जिस कस्टमर को अर्जी कल से पिकअप करने जा रहे थे उसने रास्ते में ट्रिप कैंसिल कर दी है। तो बगल में एक और बुकिंग मिली है मुझे 12:00 की मिली है। अभी बेसी टाइम नहीं हुआ तो 5 बज रहे लगभग, तो सोचा चलो उठा ही लेते हैं। तो गाइस कर लिया कस्टमर को पिकअप कोलकाता स्टेशन से, जाना है 12:00। तो चलो, तो गाइस आ गए न्यू बैरकपुर की तरफ में, बेलगरिया जा रहे हैं। तो गाइस वहाँ पर देखते हैं, वहाँ से तो रात के टाइम पर कुछ मिलता नहीं है तो देखा जाएगा। चलो चलते हैं। तो गाइस कर लिया कस्टमर को पिकअप और अभी है लगभग मध्यम ग्राम की साइड में आ चुके हैं। तो गाइस कर दिया कस्टमर को ड्रॉप और अभी लगभग 4 किलोमीटर तक अंदर से बाहर निकलने में बेलगरिया रोड ढलने के लिए मुझे लग रहा है। ये रास्ता बहुत बेकार था, इतना सा रास्ता था। अभी जाके बेलगरिया रोड में उठेंगे हम, बहुत बुरा रास्ता, जाम है। जाम क्या मतलब, छोटा छोटा है और आज का बाजार भी ठीक है, जैसे तैसे करके आज गाड़ी चल रहा है। तो गाइस निकल चुके हैं हावड़ा स्टेशन से, अभी चलते हैं सेक्टर 2 का तरफ, बुकिंग है शायद, तो इनको ड्रॉप करके फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस आ गए हैं सेक्टर 5, सेक्टर 2 का नहीं था, सेक्टर 5 का था वो बुकिंग। ड्रॉप कर दिया कस्टमर को और यहाँ से हमको मिला है 100 बाजार का इन ड्राइव में लगभग 290 रुपया में। चलो कोई ख़राब नहीं है, ठीक ही है। रात का टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो गया है लगभग आपका 10:34। कस्टमर के लोकेशन पर आ गए हैं, अभी वेट करते हैं, बोला है थोड़ा सा वेट करो हम आते हैं, तो वेट करते हैं। तो गाइस पिकअप कर लिया है और निकल गए यहाँ से सेक्टर 5 से। तो गाइस बाबू घाट में ढुक गए और यह हाल हुआ पड़ा है बाबू घाट का। ढुक तो गए लेकिन गाड़ी निकलने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। हो गया यहीं पे बेड़ा गड़ा हो गया। अब कस्टमर का बुकिंग था बाबू घाट का, मेरे ध्यान नहीं है बाबू घाट देखे नहीं। चलो अब यहाँ से निकलते हैं यार, पूरा ट्रैफिक हुआ पड़ा पूरा। तो गाइस बहुत बुरा झमेला हुआ पड़ा है यहाँ पर, कोई गाड़ी आ रहा ना जा रहा है, ना जाने दे रहा किसी को, सब गाड़ी पड़ा है गाइस। बहुत बुरा हाल हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था, इस वजह से ढुकड़ दिया गाड़ी। अभी निकल रहा है, चलो यार कम से कम गाड़ी घुमाना हो गया, अब निकलना बस खाली ये है, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक है निकल जाएंगे यहाँ से। मेन ट्रैफिक जो था वहाँ पे ना यार, क्या बोले, इतना बाइक गाड़ी घुमा नहीं सक रहा था, कैसे कैसे करके गाड़ी घुमाए। वो तो बच गया, गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं आया, नहीं तो बाइक वाला लोग बाइक चला रहा है क्या। वो काम बन ही गया अपने तो निकल गए, अब बाकी क्या। हेलो, तो गाइस करना होगा इस ब्लॉग को यहीं पर डी एंड, क्योंकि देखो यार भाड़ा का कोई छः नहीं, तो टाइम को लॉस ना करके चलते हैं घर की तरफ। अभी हम 100 बाजार में ही है, ज़्यादा दूर में नहीं है, तो घर में आईडी को कर दें यहाँ पे ऑफ।
और गाइस अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो नए हैं वो चैनल पर वो सब्सक्राइब करना। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो अपने भाई को, जो तुम्हारा भाई अच्छे अच्छे डेली और वीडियो बना बना के दे।